विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस जिला चंद्रपुर की ओर से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी जयंती के मौके पर पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया की प्रमुख उपस्थिति में आदरांजलि कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। स्वतंत्र भारत के सामाजिक, राजकीय और आर्थिक व्यवस्था को दिशा देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके जयंती पूरे देश में उत्साह में मनाई गई। आज शहर के गांधी चौक में स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के नेता तथा पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनके हाथों पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर आदरांजलि दी गई, जिसके बाद विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस जिला चंद्रपुर और कांग्रेस के विविध संगठनों के प्रमुखों की ओर से पुष्प अर्पण कर सामूहिक आदरांजलि दी गई। इस अवसर पर श्री पुगलिया ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी जी ने भारत देश को गुलामी से मुक्त किया, तो आधुनिक भारत के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचवार्षिक योजना के माध्यम से देश का वचनबद्ध विकास साधने का प्रयास किया। साथ ही कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, उद्योग, शिक्षा आदि क्षेत्र में भारत का सर्वांगीण विकास करने की नींव रची। देश के विकास में नेहरू जी का कार्य अनमोल है, ऐसा प्रतिपादन श्री पुगलिया ने इस समय किया। सांसद राहुल गांधी इनकी ओर से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा संदर्भ में श्री पुगलिया ने कहा कि धर्म, जात, पंथ, कौम इनमें फूट डालने का काम शुरू है और इसीलिए सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की है। इस यात्रा में हर दिन लाखों लोग शामिल होते हैं। सैकड़ों की संख्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का आह्वान श्री पुगलिया ने किया। इस समय कांग्रेस के युवा नेता राहुल पुगलिया विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस के चंद्रपुर जिला अध्यक्ष गजानन राव गावंडे, युवक कांग्रेस के करण पुगलिया, शहराध्यक्ष तथा पूर्व नगर सेवक देवेंद्र बेले, जिला महासचिव तथा पूर्व नगर सेवक अशोक नागापुरे, कामगार नेता वसंत मांढरे, देवेंद्र गहलोत, पूर्व जिला परिषद सदस्य शिवचंद काड़े, साईनाथ बुचे, तारा सिंह कलसी, सुभाष माथनकर, युवक कांग्रेस के चंद्रपुर शहर उपाध्यक्ष स्वप्निल तिवारी, स्नेहल सालूरकर, प्रतीक हरने, अमोल हलदर, निताई घोष, अजय महाडोड़े, अनंता होड आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। योगदान दिया है, उसके रिजल्ट हम लोगों ने अपने जीवन काल में देखे हैं। साथियों, आजादी की लड़ाई से लगाकर देश आजाद होने के बाद पंडित जी ने इस देश को पंचवार्षिक योजनाओं के माध्यम से विकास का दृष्टिकोण रखते हुए आगे ले जाने का एक संकल्प किया है। साथों साथ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति है, उस विदेश नीति को उन्होंने ऐसा मजबूत किया कि जिसके पल आज हम लोग चाक रहे हैं। साथियों, नॉन अलायंस ही हमारे भारत की पॉलिसी है और नॉन अलायंस के माध्यम से ये देश पिछले 75 वर्ष से पूरे विश्व के अंदर अपना डंका बजा रहा है। विकास के मामले में आज जो चर्चा में है, भले ही वो कुछ अपप्रचार करते हो, लेकिन लोगों को मालूम है, बुजुर्गों को मालूम है कि कांग्रेस ने देश के विकास में अपना क्या योगदान दिया है, आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान दिया है। पंडित जी जैसे नेता 12-13 साल तक जेल में रहे और संघर्ष किया, अहिंसा के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाई और आज विश्व एक अशांति के रूप में आगे आ रहा है और विश्व में जो अशांति फैली है, खास करके अभी हमारा जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उससे पूरे विश्व पे एक संकट सा आया है। लेकिन ऐसे हालात में भी भारत ने अपनी नॉन अलायंस पॉलिसी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पॉलिसी आज भी हमने कायम रखी है। इसीलिए सारे विश्व को उम्मीद है कि भारत इसमें इंटरवीन करेगा, मध्यस्थी करेगा और कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकालेगा। कल G2 की मीटिंग है, G20 की मीटिंग है, इस मीटिंग के माध्यम से भी लोगों की भारत से बहुत बड़ी अपेक्षा है। साथियों, तो इस देश की विदेश पॉलिसी, इस देश का विकास, ये सब पंडित जी ने जो नींव डाली थी, उसी के फल हम लोग चाह रहे हैं। साथों साथ पिछले कुछ साल और कोर्ट अशांति के माध्यम से ये देश में जो अराजकता फैल रही है, जाति विरोध, धर्म का विरोध, हर चीज में खाली समाज को अलग रखने की पॉलिसी, ये सब जो सरकारों के माध्यम से चल रहा है, और इसलिए राहुल जी ने समय की
पुकार को देखते हुए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा हमारे महाराष्ट्र में आ चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 4-5 दिन से नांदेड़ से लगाकर अन्य हिंगोली और हिंगोली के बाद में फिर वाशिम इसका दौरा है। रोज 22 किलोमीटर 21 किलोमीटर राहुल जी खुद पैदल चल रहे हैं। सुबह 6:30 बजे यात्रा शुरू होती है और दोपहर में 3 घंटा रेस्ट, फिर शाम में रात में 8 बजे तक ये यात्रा पदयात्रा बड़े शांति से महात्मा गांधी का संदेश, पंडित जवाहरलाल नेहरू का संदेश, देश की एकता का संदेश, भाईचारा का संदेश देते हुए राहुल जी इस यात्रा के माध्यम से देश के भिन्न भिन्न भागों के लोगों से मिल रहे, किसानों से मिल रहे, मजदूरों से मिल रहे, विद्यार्थियों से मिल रहे, कलाकारों से मिल रहे, साहित्यकारों से मिल रहे, पत्रकारों से मिल रहे। इस प्रकार से उन्होंने अपना यह अभियान भारत जोड़ो का अभियान बड़े तेजी से किया है। हम लोगों ने भी पिछले 10 दिन पहले निर्णय लिया है कि अपने भी जो जिम्मेदार कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना जीवन धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से अर्पित किया है, ऐसे लोगों की टीम सैकड़ों कार्यकर्ता अपना प्रस्थान करेंगे। 16 तारीख को शाम में लोग जाएंगे, 17 के सुबह ये लोग पहुँच रहे। पूरा डिटेल प्रोग्राम आपको दिया जाएगा और उस हिसाब से वहाँ हमें अकोला जिले में कौन सा बाड़ापुर में हम लोग शामिल होंगे। मेरे पैर में दर्द होने की वजह से मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बाकी सब लोग जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस अभियान को, भारत जोड़ो अभियान को हमारा भी हाथ भाग लगना चाहिए। इसलिए सभी हमारे धर्मनिरपेक्ष विचार के कार्यकर्ता, गांधी नेहरू परिवार को मानने वाले कार्यकर्ता, देश की एकता को मानने वाले कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।